आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया और उसके 20 डेज़ के बाद आपने सोनोग्राफी किया और उसमें पता चला कि आप 5 वीक्स प्रेग्नेंट हो, तो ये कैसे क्या हो गया? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होके तो सिर्फ 20 डेज़ हो गए हैं, ये कैलकुलेशन कैसे होता है? तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। पहले देखते हैं कि नेचुरल जब प्रेगनेंसी होता है तब एम्ब्रियो कब फॉर्म होता है। नेचुरली जब प्रेगनेंसी रहता है तब आपका फॉलिकल का ग्रोथ करीब करीब 14th डे तक कंप्लीट होके वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है, उसके अंदर का एग बाहर आता है और वो एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रियो बनेगा। फिर वो एम्ब्रियो ग्रो होगा ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज तक, और अगर एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर का लाइनिंग बराबर रहा तो एम्ब्रियो वहाँ पे चिपक जाएगा, इम्प्लांट होगा और प्रेगनेंसी होगा। और उसके 10 डेज के बाद आपका जब पीरियड एक्सपेक्टेड है वो पीरियड नहीं आएगा। आप प्रेगनेंसी के लिए चेक करोगे तो पता चलेगा कि आप 4 वीक्स प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपका एम्ब्रियो बन के तभी सिर्फ 2 वीक्स हुआ है। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है प्रेगनेंसी का वो इनहेरेंटली गलत है, रॉन्ग है। और ऐसे क्यों बनाया गया है इसे? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ काउंटिंग, क्योंकि आपके लास्ट पीरियड के डेट से काउंट करना ईजी जाता है। तो आपके लास्ट पीरियड के डेट से देखोगे तो तभी 4 वीक्स हुआ रहेगा, लेकिन आपका एम्ब्रियो एक्चुअली तभी सिर्फ 2 वीक्स का है। तो यही कैलकुलेशन अगर आप IVF में अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका एम्ब्रियो जब आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है उसके 2 वीक्स के बाद आपका, क्योंकि एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑलरेडी 5 डेज ऑफ लाइफ का है, और उसके 2 वीक्स के बाद करीब करीब वो 20 डेज हो जाता है, तभी आप ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स के प्रेगनेंसी के स्टेज में हो। तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में और कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे और सारे वीडियोस को और सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल आप लाइक कर लीजिए। थैंक यू।